जय भीम के सूर्य को हाल ही में नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई है। सूर्य एक स्टार है, अभिनेता है, विलेन है और अब उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सूर्य ने अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सूर्य शिव कुमार ने एक पतली रेखा पर लगातार काम किया और वह अपनी सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। हाल ही में सूर्य कमल हासन की विक्रम फिल्म में बतौर विलेन रोलेक्स की भूमिका में नजर आए थे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित हुए हैं, इसमें सूर्य को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। वहीं इस तमिल फिल्म को कुल अवार्ड मिले हैं, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस शामिल हैं। फिल्म सुराई पोटू की रिलीज के बाद ही कई फिल्मी पंडितों ने इस बात की जानकारी दी थी कि फिल्म और इसके कलाकार सूर्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस फिल्म में उन्होंने काफी दमदार अभिनय किया है। इसके अलावा उनकी फिल्म जय भीम ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। सूर्य के टैलेंट का सभी लोहा मानते हैं। 23 जुलाई को उनका 47वां जन्मदिन था। वह पिछले 25 वर्षों से सिनेमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक अभिनय दिया है। उन्होंने तमिल दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया है और इसी के चलते अब उसका प्रभाव पूरे भारत में भी देखने को मिल रहा है। पहली बार सूर्य का नाम 2005 सन के दौरान आया, जब आमिर खान ने इस बात की घोषणा की कि वह सूर्य और असिन की अभिनीत फिल्म गजनी का रिमेक बनाने वाले हैं। इसके बाद यह नाम अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में गूंज जाने लगा। तमिल सिनेमा सन 2000 से सन 2010 तक रजनीकांत और कमल हसन के आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन सूर्य ने आकर इसे पूरी तरह से बदल दिया। भारत भर में देखा जाए तो सूर्य को चुनौती देने वाले कुछ ही कलाकार हैं। इनमें धनुष, रणवीर सिंह और प्रभास का नाम शामिल है। सूर्य को पहले और जय भीम मूवी के बाद से प्रभास सीएस की तरह ही पूरे भारत में अटेंशन मिल रही है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।